नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। आज के इस वीडियो में हम लोग इस सप्ताह का नेशनल करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। पिछले दो हफ्ते से आपको नेशनल करंट अफेयर का वीडियो नहीं मिला होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि स्टूडियो में थोड़ा वर्क चल रहा था, इस वजह से वो वीडियो मिस हो गए हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिएगा, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको आने वाले कुछ दिनों में मैं उसको कवर करवा दूंगा। आज के इस वीडियो में हम लोग इस सप्ताह का नेशनल करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। 12 मार्च से लेकर 19 मार्च तक, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है लेकिन ये 19 मार्च आज तक का वीडियो है, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे दूँ कि आगामी आदेश तक, आज के बाद से, अभी फ़िलहाल आपको कोई भी वीडियोस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पूरे देश का माहौल किस प्रकार से है, या फिर कह लें पूरी दुनिया का माहौल किस प्रकार से कोरोना वायरस को लेकर। आप लोगों को मेरा एक सुझाव है कि घर में ही रहें, बाहर निकलने की कोशिश बहुत कम करें। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो या काम हो तभी बाहर निकलें, ट्रैवलिंग ना करें, भीड़ भाड़ वाली एरिया में ना जाएं। जितना हो सके आप अपने आप को सुरक्षित रहें, सतर्क रहिए और लोगों को भी जागरूकता फैलाइए। आज के डेट पर ही रायपुर में भी एक पॉजिटिव केसेस मिले हैं कोरोना वायरस के, तो ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आने वाले कुछ दिनों तक, जब तक आपको न्यू नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता, फिलहाल ये आज का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि ऑफिसेज बंद हो रहे हैं तो इस बीच में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। जैसा भी आगे शेड्यूल होगा मैं आप लोगों को वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। ध्यान रखिएगा कि जब ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, जो भी संकट है वो अगर दूर हो जाएगा, उसके बाद करेंट अफेयर या फिर जो बाकी वीडियोज़ हैं वो रेगुलरली और कंटिन्यूसली आप लोगों को मिलते रहेगा। तो आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहो तो घर बैठे तैयारी कर सकते हो, जो बच्चे CGPSC की तैयारी करने का सोच रहे हैं या जो कर रहे हैं, आप घर बैठे कर सकते हो हमारे मोबाइल कोर्स के माध्यम से। यहाँ पर आप घर में सुरक्षित रहकर आसानी से तैयारी कर सकते हो। 25% का डिस्काउंट है, अगर चाहो तो मोबाइल कोर्स को 4200 की जगह 3150 रुपये में परचेज़ करके आप लोग घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी आप हमारे यहाँ मोबाइल कोर्स को परचेज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप जो बच्चे, खासकर जो 2020 में इस साल मेंस का पेपर देने वाले हैं, कोचिंग तो जा नहीं पा रहे होगे, या भी किसी भी प्रकार से आप बाहर जाकर स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो जितने भी इस मेंस प्रोग्राम में आपको वीडियोस अवेलेबल करवाए गए हैं या हमारी वेबसाइट पे जो भी वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं आपको, तो इससे भी जुड़कर आप घर में बैठकर मेंस की तैयारी कर सकते हो। जितना भी एनालिसिस वीडियो आपको मिला है उतना अभी एनालिसिस कर लीजिए, फिर जैसे ही थोड़ा सा ये संकट खत्म होगा उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यूअसली करेंगे। तो अभी जो मेंस प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं उन बच्चों के पास में एडवांटेज है कि घर में बैठकर भी आप अपने जो आपका जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूअसली चला सकते हो, आपका यहाँ पर ब्रेक ना हो प्रिपरेशन, इस वजह से आप इस मेंस प्रोग्राम से ज़रूर जुड़ सकते हो। 2021 में जो मेंस का पेपर देने वाले हैं वो बच्चे भी इस प्रोग्राम से ज़रूर जुड़ सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा इस वायरस को, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में बैठकर तैयारी कीजिए, और भीड़ भाड़ वाला एरिया हो गया या ट्रैवलिंग हो गया, ये सब को इग्नोर करें जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। तो आप अपना ख्याल यहाँ पर ज़रूर रखिए। चलिए आज का हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो आपका है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2। हाल ही में यानी कि फरवरी में कैबिनेट की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 को लॉन्च किया गया था। इसका जो अवधि है 2020-21 से लेकर 2024-25 तक है। एक वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। अब यहाँ पर यह टॉपिक न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश किया है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज 2 में फंडिंग के लिए। वो सिफारिश किस प्रकार से यहाँ पर देख लें, लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा और बात समझ लें। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को ठीक उसी तरह से चलाया जाएगा जैसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पहले चरण में चला था आपका 2019 तक के लिए। उसमें क्या था, खुले में शौच मुक्त करने का प्लान रखा गया था। तो इस बार क्या है, खुले में शौच मुक्त प्लस का नारा दिया गया है, यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस चलाया जाएगा इस बार। इसके अलावा ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल किया गया इसमें, यानी कि सॉलिड व लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात इसमें की गई है। और इसी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इसमें अलग से बजट जोड़ने का जो सिफारिश है वो किसकी तरफ से किया गया है, 15वें वित्त आयोग की तरफ से किया गया है। जो पहला चरण था स्वच्छ भारत मिशन का, उसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को 7 से 20 लाख रुपये दिया जाता था, लेकिन ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन को
यहाँ पर ऐड करने के बाद इस फंड को 5 लाख रुपए तक और बढ़ाया जाएगा, ऐसा सिफारिश 15वें वित्त आयोग की तरफ से किया गया है। यह अतिरिक्त धनराशि जो है मनरेगा से जोड़कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर इस मिशन के जरिए एक बेनिफिट और मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो धनराशि है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना में उसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर रोजगार की संख्या में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना बन जाती है। और जैसे मैं शुरू में भी बता चुका हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को इसी साल फरवरी के महीने में दूसरे चरण को लॉन्च किया गया, और इसके लिए यहाँ पर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट का प्रावधान रखा गया है। और बजट के प्रावधान का आवंटन किस प्रकार से होता है, नॉर्मल राज्यों के लिए 60-40 का रेशियो होता है, यानी कि 60% खर्च जो है वो केंद्र सरकार करेगी, 40% जो खर्च है वो राज्य सरकार करेगी। पहाड़ी वाले राज्य हो गए या फिर जो पूर्वोत्तर के राज्य हो गए वहाँ, या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो गए, वहाँ पर जो रेशियो होता है वो 90-10 का होता है, यानी कि 90% खर्च जो है वो केंद्र सरकार करेगी और बाकी 10% का खर्च जो है वो केंद्र शासित प्रदेश या फिर जो राज्य भी इस कैटेगरी में आते हैं वो खर्च करेगी। तो याद रखिएगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के बारे में, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, हाल ही में जो हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके तरफ से राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब में कहा गया कि जब से मोटर वाहन अधिनियम 2019 को पारित किया गया है, यानी कि पिछले 5 महीने में रोड एक्सीडेंट की संख्या 10% तक कम हो गई है। जब भी अगर रोड सेफ्टी की बात हो तो वहाँ पर आप मेंस में इसके पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो। पिछले 5 महीने में रोड एक्सीडेंट के जो नंबर हैं 10% की इसमें कमी रखा गया है। और इस प्रश्न काल के दौरान जो नितिन गडकरी हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि भारत में आगामी 5 वर्षों में यहाँ पर टारगेट है रोड एक्सीडेंट को 50% कम करने का। तो इस बात को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से अगर आप मेंस में वैल्यू एडिशन कर सको तो बिल्कुल कर सकना। आप लोगों को पता है ना कि जब 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में चेंजेस किए गए थे तो बहुत ज़्यादा जो फाइन्स थे उसे बढ़ा दिया गया था, 100%, 200% तक बढ़ाया गया था, बहुत विवाद भी हो रहा था इस पर हुआ था। तो अब इस रिपोर्ट में पता चला है कि इस अधिनियम के आने के बाद 10% तक रोड एक्सीडेंट कम हो जाता है। यहाँ पर कुछ आंकड़े भी हैं कि भारत में हर साल 5 लाख से ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है और इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है रोड एक्सीडेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, रोड सेफ्टी से रिलेटेड अगर कहीं भी वैल्यू एडिशन करना चाहो तो उसके पॉइंट को आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप जानते हो कि मोटर वाहन अधिनियम कौन सी सूची में आता है, ये संवर्ती सूची में आता है। संवर्ती सूची का मतलब क्या होता है कि इस एक्ट के तहत में दोनों को अधिकार प्राप्त है कानून बनाने का, राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार चाहे तो केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। अगला टॉपिक है हमारा रंजन गोगोई, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया गया है इनको राज्यसभा के सदस्य हेतु। हमें पता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 250। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 245। इसमें से 233 जो सदस्य होते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन कर आते हैं, और जो 12 सदस्य यहाँ पर हो गए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो वर्तमान समय में 11 सदस्य नामित थे राज्यसभा में और 1 सदस्य को हाल ही में नामित किया गया, किनको, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को। और राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है, कैसे राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था अलग से, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रक्रिया के तहत होता है, वो सारा वीडियो आप वहां से देख सकते हो। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। कहने का मतलब ये है कि हाल ही में सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कोरोना वायरस के चलते कि जो सैनिटाइज़र होता है और जो मास्क होता है मुंह को ढकने के लिए वो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंडर में आ जाएगा। इससे पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंडर में जो ज़रूरी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसको रखा गया था ताकि मनमानी तरीके से उस पर रेट ना बढ़ाया जा सके, उसका जमाखोरी ना हो सके, तो इसीलिए उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में रखा जाता है। तो फिलहाल
जून 2020 तक के लिए सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में रखा गया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु अधिनियम में डालने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है, राज्य सरकार इसमें वस्तु को ऐड नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, राज्य सरकार अगर चाहे तो केंद्र सरकार ने जिस वस्तु को उस अधिनियम में डाला है उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकती है, इसके खिलाफ़ जांच का आदेश दे सकती है। तो राज्य सरकार को भी यहाँ पर सारा अधिकार है, सिर्फ एक अधिकार को छोड़कर, कि वो किसी वस्तु को उस अधिनियम में नहीं डाल सकता। और अगर किसी वस्तु को इस अधिनियम में ऐड कर दिया जाता है तो उसके बाद जो उल्लंघन किया जाता है या जमाखोरी किया जाता है या फिर उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पर 7 साल का सजा भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में किन दो वस्तुओं को इस अधिनियम में ऐड किया गया है। तो सैनिटाइज़र, मुंह में लगाने वाला मास्क होता है उसे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आवश्यक वस्तु अधिनियम से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हो। 7 साल का कारावास अथवा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आवश्यक वस्तुओं के स्टॉकिंग को रोकने में बहुत हद तक सहायता मिलती है, जैसे मैंने बताया। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गंगा आमंत्रण अभियान। यह अभियान हर साल चलाया जाता है। इस अभियान को कहाँ चलाया जाता है इस बात को ध्यान रखिएगा। यह अभियान चलाया जाता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग वही जगह है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का मिलाप होता है, वो जगह ही है देवप्रयाग। तो इस अभियान में क्या किया जाता है, इस अभियान में गंगा के प्रति साफ सफाई के लिए जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाती है। और इस बार इस अभियान का आयोजन कब किया गया, 14 मार्च 2020 को किया गया। सारा उद्देश्य पता है, गंगा को साफ करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जाती है। और इस अभियान को चलाया जाता है किसके तहत, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत। अगर हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की बात करें तो इसको शुरू कब किया गया, 2011 में किया गया। सबसे पहले यह जो मिशन है वो चलता था राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण द्वारा, इसका संचालन किया जाता था। उसके बाद इसका संचालन जो है राष्ट्रीय गंगा परिषद द्वारा किया जाता था। लेकिन अब राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का जो संचालन है वो जल शक्ति मंत्रालय के तहत इसको संचालित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा अगला टॉपिक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रिक मुद्दा पर हाल ही में फिर से एक बार बात उठा है। सबसे पहले तो ये समझिए कि यह बात कहाँ से उठा। तो हाल ही में दुबई में एक ग्लोबल सबमिट का आयोजन किया गया था, उसमें पाकिस्तान को प्रतिनिधित्व करने वाले एक मंत्री ने सर क्रिक पैक्ट का जिक्र किया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझिए कि ये सर क्रिक का जो मुद्दा है वो है क्या। सर क्रिक जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा सिंध और कच्छ के बीच में जो है सीमा की व्याख्या करता है। सिंध कहाँ हो गया, पाकिस्तान में हो गया, और कच्छ कहाँ हो गया, भारत के गुजरात में हो गया। इन्हीं दोनों के बीच में जो सीमा लाइन है उसी को लेकर जो ये पूरा मुद्दा है वो सर क्रिक का मुद्दा है। आगे के स्लाइड में मैं आपको इमेज के माध्यम से भी समझाऊंगा। यह सर क्रिक वाला जो क्षेत्र है, सबसे पहले ब्रिटिश शासन के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आया करता था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ और जब भारत का बंटवारा हुआ तो सिंध वाला हिस्सा कहाँ चले गया, पाकिस्तान में, और कच्छ का हिस्सा कहाँ रहा, भारत में। लेकिन पाकिस्तान जो है 1914 में कच्छ के राव महाराज और सिंध सरकार के बीच हुए एक समझौते का हवाला देते हुए कहता है कि इस सर क्रिक पर जो अधिकार है वो पाकिस्तान का है। लेकिन भारत कहता है कि सर क्रिक का हिस्सा भारत का है। इसलिए बीच बीच में विवाद होते रहता है, इसलिए सर क्रिक जो है वो न्यूज़ में आते रहता है। यह जो सर क्रिक मुद्दा है और यह जो सर क्रिक क्षेत्र है बार बार न्यूज़ में आता रहता है और कई बार यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब इसका आप यहाँ पर लोकेशन देखिए सर क्रिक का, अगर आप देख रहे होंगे तो ये है आपका गुजरात और ये है आपका पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान का सिंध और ये है गुजरात का रन ऑफ कच्छ। इसी रन ऑफ कच्छ में यहाँ पर ये एरिया जो है सर क्रिक का है। ये 95 किलोमीटर का पूरा एरिया जो है दलदल वाला एरिया है और ये जो ख़त्म होता है सर क्रिक, ये होता है अरबियन सी में। इसी सर क्रिक पे जो है पाकिस्तान अपना दावा करते रहता है। 96 किलोमीटर का ये लंबा जलपट्टी है जिसे बाण गंगा भी कहा जाता है। ये बाण गंगा से संबंधित भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, हाल ही में समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 जारी किया गया है।
इस सूचकांक को किसने जारी किया है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से इसे हाल ही में जारी किया गया है। भारत की रैंकिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भारत का रैंकिंग है 46वां। इस सूचकांक में स्वीडन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, उसके बाद न्यूजीलैंड और अमेरिका का क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान आता है। पिछले साल की बात करें अगर हम लोग इसमें 2019 के रिपोर्ट की तो भारत की रैंकिंग 47वां था। ज़्यादा नहीं, समावेशी इंटरनेट सूचकांक के बारे में इंडिया की रैंकिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में याद रखना, ये क्या है, यह एक आर्थिक विश्लेषक सलाहकार संस्था है, यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी उसके फैक्टर होते हैं उससे रिलेटेड इंडेक्स जारी करता है, रिपोर्ट जारी करता है। इसकी स्थापना जो है 1946 में किया गया था और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और ये हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है, रणजी ट्रॉफी जो हमारा चल रहा था उसका विजेता सौराष्ट्र हो चुका है। कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है, चाहे वो विजय हजारे ट्रॉफी हो चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, वहाँ से प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन बनते हैं। कई बार पूछा जाता है कि हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता, तो आपको याद रखना है सौराष्ट्र ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता है। और सौराष्ट्र ने फाइनल में किसको पराजित किया, तो पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल को पराजित किया है। रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट का सबसे बड़ा घरेलू टूर्नामेंट है, इसका पहले संस्करण का आयोजन 1934 में किया गया था और मुंबई जो है सबसे अधिक 41 बार रणजी ट्रॉफी जीत चुका है। तो याद रखिएगा सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी को जीता है 2020 में। तो ये था पूरा हमारा इस हफ्ते के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नेशनल करंट अफेयर में हो सकते थे वो सारे मैंने करवाया, और फिलहाल अगले आदेश तक ये आज आपका लास्ट वीडियो है। बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्द ही उम्मीद है कि अगर ये संकट हट जाता है तो बहुत जल्द आगे का सीरीज स्टार्ट होगा। फिलहाल जितने हमारे वीडियोज़ हैं आप चाहें तो पीछे जाकर रिविज़न कर सकते हैं। आप लोग जो मेंस देने वाले हो या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हो, मेंस प्रोग्राम से जुड़कर सारे जो पिछले वीडियो अपलोड किए गए हैं, चाहे जितने हमारी वेबसाइट के डिस्कशन कम्युनिटी पर वीडियो अपलोड किए गए हैं वहां जाकर तैयारी कीजिए। आपकी सुरक्षा आपके सेहत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी सुरक्षा और सेहत ही जब तक सही नहीं रहेगा तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं होता। तो घर में रहें, अपना ख्याल रखें। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कम से कम भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाएं जब तक कोई ज़रूरी ना हो, कम से कम ट्रैवलिंग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।